गैंगस्टरिज्म, इसके खिलाफ एक कहेंगे कि हमारे लिए एक ये नए वार का ऐलान है। हम इसमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टोंग्स एंड हैमर्स, हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी अब हमारे सब इंस्पेक्टर की शहादत हम बिल्कुल जाया नहीं होने देंगे। हम गैंगस्टरिज्म के और नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी जंग को इससे तिगुना चौगुना लेवल पे ले जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आखिर आदमी जो है इसमें गैंगस्टर्स के और नारकोटिक्स सिंडिकेट के ख़त्म हो जाए। हमारे एक सुचिंतित वाइड स्ट्रेटेजी बन रही है, हमें इसके जड़ तक जाएंगे। हमको इस चीज़ की एहसास हो रही है कि साहब ये इल्लीगल लैंड डीलिंग से लेकर, नारकोटिक्स से लेकर, बोभाइन से लेकर, ये एक क्रिमिनल सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब की पैटर्न पे। और चूंकि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट एक और लेवल पे आई है, यहाँ पे बिजनेस, इंडस्ट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एजुकेशनल और भी इंस्टीट्यूट एक और लेवल पे यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ले जा रहा है। सर, तो कुदरती बात है, इसको लेकर एक गैंगस्टर एक गूंज खड़े हो रहे हैं। ज़मीन को लेकर उसको खरीदो फारुकत में और चीज़ों में ये मुलबस हो रहे हैं। हम अभी ये सांप को अभी कुचल के ही रहेंगे। कितने लोग और घायल होने की तो कोई और समय नहीं है खबर। आपस में उसमें जो जिसने गोली मारा इसको फिर मारा गया मुठभेड़ में। अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन में हम अब मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा कि मीडिया के सामने बताया जाए कि कितने थे, किस में आए थे, कैसे भागे हैं, क्या नंबर था। हमारे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। तो अभी सिर्फ इस वक्त इतना ही कह पाएंगे कि एक एनकाउंटर हुआ, हम तैयारी के साथ गए हुए थे, हमारे पास खबर थी कि ये आया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश कर रहे थे कि उसको ज़िंदा पकड़ लें, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है पुलिस की कि देखते ही हम गोली नहीं मारते हैं, सरप्राइज़ उसके हाथ में रहता है, पहला बार उसी के हाथ में होता है, हम कानून में बंधे हुए होते हैं, इसकी फ़ायदा वो ले गया। तो पहले भी ऐसा इंसिडेंट पंजाब में हुआ था जब पुलिस गई थी, कुछ बड़ा जो क्रैकडाउन है वो पुलिस कर सकती है। मैंने आपको ऑलरेडी उस सिलसिले में कहा कि फाइट इज गोइंग टू बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल इन विच इट विल बी अ फाइट टू द फिनिश।